फ़ीचर्स ऑफ लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम ह्यूमन uh, लैंग्वेज के मुखलिफ़ फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ह्यूमन लैंग्वेज इज़ अ डिस्टिंगट फ्राम ऑल अदर लैंग्वेज इट मीनस अदर एनिमल्स लैंग्वेज और ये अपनी करैक्ट्रिस्टिक्स और अपने फीचर्स के लिहाज से यूनिक है जो किसी और क्रिएचर या मखलूक़ में वो नहीं पाई जाती और ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है ये मुमताज़ करती है इंसानों को अपनी लैंग्वेज की वजह से अपने मुखलिफ़ फ़ीचर्स की वजह से और जो कि दुनिया में किसी भी मखलूक में और में ये लैंग्वेज का इस तरह का शुमार नहीं होता दूसरी जो क्रिएचर्स हैं उनकी लैंग्वेज सिर्फ साउंड्स होती हैं जबकि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो साउंड से बढ़ के आगे मुख्तफ वर्ड्स की सूरत में अपना मफहूम कन्वे करती है आ, ये एनिमल्स की जो कम्युनिकेशन है उनसे ये इनको फ़र्क करती है और इन क्योंकि ये इसमें जो रूल्स हैं उन पर अमल किया जाता है जो रूल्स को फॉलो किया जाता है ह्यूमन रूल्स जैसे हमने ग्रामर की बात की या जैसे हमने सिंटैक्स और मॉरफोलोजी या उस तरह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की उनके ऑर्डर की बात की मुख्तफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए और जो अल्लाह ताला ने इंसान को बकौल चोम्स की उसको जो एक जो एक इन बॉर्न या इन इन नेट एक सलाहियत दी है जिसकी वजह से वो लैंग्वेज को यूज़ करता है और इस तरह करके तो हम लैंग्वेज के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे अब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ये तो पार्ट हैं ट्रू लैंग्वेज के डिसप्लेसमेंट्स Uh, यानी ये, ये है कि ये दीज आर एबिलिटीज़ फाउंड इन ह्यूमन बियंगस और ये जो हैं ये जो इसके फीचर्स हैं ये इसको दूसरों से uh, मुमताज़ करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट द मोस्ट रिकग्नाइज फीचर ऑफ़ ह्यूमन लैंग्वेज जो हैं उनको हम वन बाई वन देखते हैं तो सबसे पहले डोलिटी ऑफ पैटर्नस डेलिटी ऑफ पैटर्नस क्या है ये एसोसिएट करती है साउंडस को विद uh, मीनिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल कैट टैक एंड एक्ट अब ये देखें कि इसमें फ़ोनीम्स जो हैं उनको उनकी जगह ऑर्डर प्लेस हुआ है और डिसप्लेस हुआ है जिससे उनके मीनिंग में फ़र्क पड़ गया है तो ये सिर्फ इस लैंग्वेज में और फोनीम्स की जो एग्ज़ाम्पल मैंने दी है कि उनको ऑर्गनाइज करने में और उनको डिफरेंट पैटर्नस में जोड़ने से उसके सबके मीनिंग्स बदल जाते हैं तो ये एक किसकी डिसप्लेसमेंट की इसकी और नेक्स्ट uh, है और प्रोडक्टिविटी uh, uh, तो प्रोडक्टिविटी से मुराद ये है कि सिंबल्स एंड रूल्स कैन बी कंबाइंड एंड दिस एंड देन विच आर रिज़ल्ट इन द द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस जो आप जिनसे आप मफहूम अपना कन्वे करते हैं जिनसे हम दूसरों से बात करते हैं और जिससे हम दूसरों को अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं तो ये प्रोडक्टिविटी है यानी ये वो सलाहियत है कि जिसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मुख्तफ़ सेंटेंसेस को वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर के तहत जोड़कर सेंटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो एक उसके करेक्ट्रिस्टिक्स है या फीचर है ये प्रोडक्टिविटी कहलाता है और इसे सर्टन ग्रामेटिकल जो रूल्स का को फॉलो किया जाता है इसमें इंटरचेंजबिलिटी तो इंटरचेंज चेंजेबिलिटी ह्यूमन लैंग्वेज का वो फीचर है कि जिसमें सेंडर uh, और रिसीवर दोनों काम कर रहे होते हैं जो इसमें क्या है कि जो लैंग्वेज uh, में जो सेंडर है वो अपना पैगाम सेंड कर सकता है और वो अगर रिसीवर है तो वो रिसीवर के तौर पर उस पैगाम को रिसीव भी कर सकता है ठीक है तो ये जो करेक्ट्रिस्टिक्स है उसका इंटरचेंजेबिलिटी यानी ये, ये है कि रिवर्स एक सलाहियत है एक एबिलिटी है जिसमें मैसेज कन्वे करना और मैसेज को वापस रिसीव करना और देन उसका नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है आर्बिट्रेरिनस इसमें वर्ड्स और साउंड्स में एसोसिएशन नहीं है आर्बिट्रेरीनेस इसमें वर्ड्स और साउंड्स में एसोसिएशन नहीं है फॉर एग्जांपल द वर्ड वेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ये देखें ये जो दो वर्ड्स हैं इनका इनके जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे जहन में आते हैं हम हाँ उनकी किस की जिसमत के साथ और उसके साइज़ के साथ इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आर्बिट्रेरिनस से हम जो मतलब ये है कि लैंग्वेज के साउंड्स और वर्ड्स और फिर आगे जो अशिया हैं जिनके लिए वो वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आर्बिट्रेरीनेस ये लैंग्वेज के करेक्ट्रिस्टिक्स हैं ये सलाहियत है और डिसप्लेसमेंट इसमें यह है कि डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि बींग एबल टू टॉक अबाउट नॉन करंट क्या मतलब है कि जो देखें जो दूसरी क्रिएचर्स हैं वो सिर्फ़ जब उनको कोई ख़तरा या कोई मौजूदा चीज़ उनको पेश आती है तो उस वक्त वो उस बात करते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने मौजूद अपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं तो ये ह्यूमन जो लैंग्वेज का ये करेक्ट्रिस्टिक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये उसको अलाउ करती है कि वो कम्युनिकेट करे पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में प्रडिक्शन करे और फिर एक और इसका करैक्टिस कल्चरल ट्रांसमिशन याद रखें कल्चर की प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा सोर्स लैंग्वेज है और लैंग्वेज से जो आपके स्पेसिफिक्स होते हैं वो किसी भी कल जो ए, कल्चर के जो नॉर्म्स होती हैं जो वैल्यूज़ होती हैं वो सीखता है इंसान और इस तरह मतलब ये कल्चर के जरिए हम अब मतलब लैंग्वेज के ज़रिए ट्रांसमिट होती है और लैंग्वेज एक पूरी वर्ल्ड है जो किसी भी एरिया में किसी भी माहौल में आ, उस आ, एरिया के लोगों की की तमाम एसोसिएशंस को तमाम उनके नॉर्म्स को तमाम उनके रहने सहने को आ, उसमें एक्सप्रेस करती है और कल्चर ट्रांसमिट करती है लैंग्वेज कल्चर ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा सोर्स है